आज का हमारा क्वेश्चन है नी जॉइंट। तो सबसे पहले आता है नी जॉइंट पर हमें लिखना है सबसे पहले टाइप एंड आर्टिकुलेशन। उसके बाद हमें लिखना है इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर एंड थर्ड में लिखना है हमें वर्से अराउंड नी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे टाइप, तो टाइप में हम लिखेंगे कॉन्डुलर सिनोवियल जॉइंट इनकॉर्पोरेटिंग टू कॉन्डुलर जॉइंट्स बिटवीन कॉन्डाइल्स ऑफ फ्यूमर एंड टीबिया। ओके, सेकंड हम ऐड करेंगे सैडल जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। एंड थर्ड हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स जॉइंट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मेंस। तो उसके बाद है आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस में हमें क्या लिखना है, द कॉन्डुलर जॉइंट्स ऑफ फीमर द पटेला एंड कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया। तो ये हो गया हमारा टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस। उसके बाद हमें एक डायग्राम निकालनी है यहाँ पे। तो इस डायग्राम में हम दिखना है ये डायग्राम निकालनी है जहाँ पे है पटेला मीडियल कॉन्डाइल एंड पटेलर सरफेस ऑफ द फ्यूमर और ये है एरिया दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्सट्रीम फ्लेक्जन। तो ये एरिया है जो एक्सट्रीम फ्लेक्जन पे एक साथ में कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ये डायग्राम हमारे आर्टिकुलर सर्फेसिस की। देखेंगे लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स में हम लिखेंगे सबसे पहला है फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद है लिगामेंटम पटेली, तीसरा है टीबियल कोलेटरल और मीडियल लिगामेंट, चौथा है फिबुलर कोलेटरल और लैटरल लिगामेंट, पांचवा है ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट, छठवा है आर्क्यूएट पॉपलिटियल लिगामेंट, सातवा है एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट, आठवा है पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट और नौवा मीडियल मेनिस्कस और दसवा लैटरल मेनिस्कस एंड इलेवंथवा जो है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये हमारे लिगामेंट्स है 11 लिगामेंट्स। उसके बाद हम निकालेंगे लिगामेंट्स की डायग्राम। तो ये है डायग्राम हमारे डायग्राम नी जॉइंट की जिसमें हम देखेंगे लिगामेंट्स। तो लेबलिंग कर देते हैं डायग्राम की। इसमें सबसे पहले आता है लैटरल कॉन्डल ऑफ फीमर, ये है लैटरल कॉन्डल ऑफ फीमर। उसके बाद आता है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये कैप्सूल लिगामेंट, ये कैप्सूल, ये है टेंडन ऑफ पॉपलिटियस अटैच टू लैटरल मिनिस्कस, ये है टेंडन ऑफ पॉपलिटियस अटैच टू लैटरल मिनिस्कस, ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद है टेंडन ऑफ बाइसेप फीमोरिस, ये है टेंडन ऑफ बाइसेप फीमोरिस। उसके बाद है वेसल्स इंफेरियर लैटरल जेनिकुलर वेसल्स और एंड नर्व। तो ये हमारे वेसल्स है और यहाँ पे हम देखेंगे अडक्टर ट्यूबरकल, ये है अडक्टर ट्यूबरकल और इधर है सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट ऑफ टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये है सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट ऑफ टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये है मीडियल मेनिस्कस, वैसे ही ये लैटरल मेनिस्कस है और ये है सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स। इसके बाद इन्फेरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व, इन्फेरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व। उसके बाद है यहाँ पे मसल्स है सार्टोरियस ग्रासिलिस एंड सेमी टेंडन्स। तो ये है हमारी नी जॉइंट की डायग्राम कॉम्प्लेक्स। ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं नी जॉइंट में इसलिए कॉम्प्लेक्स जॉइंट है पूरा। तो ये हो गया हमारा नी जॉइंट। लिगामेंट्स के बाद हमें लिखना है इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर। तो उसमें ये हमें ये डायग्राम बनानी है। तो इसमें हम लेबलिंग देखेंगे डायग्राम की। तो सबसे पहला है लिगामेंटम पटेली, ये है लिगामेंटम पटेली ट्रांसवर्स एसिडेबुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिडेबुलर लिगामेंट और ये है लैटरल मिनिस्कस, ये लैटरल मिनिस्कस। उसके बाद है ये वाला ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट, ये वाला जो है ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट, ये टेंडन ऑफ पॉपलिटियस, ये टेंडन ऑफ पॉपलिटियस, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, ये वाला फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, या इस साइड में है कोरोनरी लिगामेंट, ये वाला एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट, ये वाला टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, यहाँ पे है मसल्स है सार्टोरियस, यहाँ पे ग्रासिलिस, ये है सेमी मेम्ब्रेनोस, ये टेंडन है सेमी टेंडनस का, और भी है यहाँ पे ये टीबियल नर्व एंड पॉपलिटियल वेसल्स, ये है टीबियल नर्व एंड पॉपलिटियल वेसल्स, यहाँ पे मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ये है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ये लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस और बाइसेप फ्यूमरिस ये वाली, और इन दोनों के बीच में जो नर्व है वो है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर की डायग्राम है ये। इसको लेबलिंग है ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द नी जॉइंट शोइंग सिनोवियल रिलेशंस। तो ये है सिनोवियल रिलेशंस। ओके, तो ये हो गया हमारे इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर की डायग्राम। इसमें हमें एक यहाँ पे लेबलिंग देखेंगे एंटेरियर हॉर्न ऑफ मिडल मिनिस्कस, ये वाला एंटेरियर हॉर्न ऑफ मिडल मिनिस्कस, ये है एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट, ये वाला। उसके बाद है एंटेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मिनिस्कस, सेकंड है पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मिनिस्कस, तो पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ मिडल मिनिस्कस यहाँ ये वाला, और ये है पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट।
और ये है मिडिल इम्प्रेशन, ये कॉन्डुलर इम्प्रेशंस। ठीक है, तो ये डायग्राम है अपर एंड ऑफ राइट टीबिया, ये हमें इंटरकैप्सुलर स्ट्रक्चर में ऐड कर देनी है। तो हमें तीसरी जो डायग्राम ऐड करनी है इंटरकैप्सुलर स्ट्रक्चर में, तो ये है ये वाली। तो इसमें हम लेबलिंग देखेंगे। तो सबसे पहला है ये वाला कॉर्डिसेप्स फीमोरिस मसल्स, सुप्रा पटेलर बर्सा ये वाला, इंफ्रा पटेलर सिनोवियल फ्लूड, इंट्रा पटेलर सिनोवियल सिनोवियल फ्लूड, ये है लिगामेंटम पटेली, ये है टीबियल ट्यूबरोसिस, ये है टीबियल ट्यूबरोसिस, ये है पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट, ये वाला पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट, ये है वाला एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट। तो ये जो है वो है एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट, और ये है पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट, और ये है कैप्सुलर कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये है तीसरे डायग्राम जो हमें ऐड करनी है इंट्राकैप्सुलर स्ट्रक्चर में। हमें एक और डायग्राम ऐड कर देनी है यहाँ पे, जो कि है ये वाली। इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सुप्रा पटेलर वर्सा ये वाला है, डीप इंट्रा पटेलर वर्सा ये वाला, सबकुटेनियस इंट्रा पटेलर वर्सा, इंफ्रा पटेलर सॉरी, इंफ्रा पटेलर वर्सा सबकुटेनियस। तो ये वाला है वो, ये है टीबिया, ये है फीमर, और ये है पटेला, और ये पटेला के आगे है प्री पटेलर वर्सा। तो ये है डायग्राम, हमने ये डायग्राम पहले ही ऐड कर दी है कहाँ पे, इंटरकैप्सुलर स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसके बाद हमें लिखना है बर्स, के बाद हमें लिखना है बर्से अराउंड नी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटेरियर, तो एंटेरियर है सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा, एंड चौथा है सुप्रा पटेलर बर्सा। तो ये बर्से हमने एक डायग्राम में देखे थे, तो डायग्राम में हम, तो ये जो डायग्राम हमने ऐड कर दी थी इंफ्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर में, तो यही डायग्राम हमें वहाँ पे भी बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लैटरल बर्से, तो लैटरल बर्से में बर्सा डीप टू लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। तो ये जो है, ये जो हम बर्से है, ये हम रिलेट कर सकते हैं डायग्राम से जो हमने बनाई थी इंफ्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर में, जो पहली डायग्राम हमने बनाई थी वहां से। तो उसके बाद दूसरा बर्सा है फ्यूबुलर कोलैटरल लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ पॉपलिटिस के बीच में, तीसरा है फ्यूबुलर कोलैटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फ्यूमरिस के बीच में, चौथा है टेंडन ऑफ पॉपलिटियस एंड लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया में। ठीक है, तो ये लैटरल में ये बर्से है। उसके तो मिडल में आते हैं, सबसे पहले मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, दूसरा है बर्सा डीप टू टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनस, और चौथा है अनसेरिन बर्सा। तो यहाँ पे नहीं क्या, ये जो बर्से है लैटरल और मिडल के, वो हम कंपेयर कर सकते हैं डायग्राम से, जो कि डायग्राम हमने प्रीवियसली बनाई थी कहाँ पे, मिडियल और लैटरल जो बर्से है हम इस डायग्राम से ये कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बर्सा अराउंड द नी जॉइंट, मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स इन नी जॉइंट। तो सबसे पहला है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फ्रॉम सिटिंग चेयर टू स्टैंडिंग, मतलब कुर्सी से खड़े होना, तो वो करता है कॉर्डिसेप्स फीमोरिस, लॉकिंग स्टैंडिंग इन अटेंशन वो करता है वास्टस मीडियालिस, अनलॉकिंग स्टैंडिंग एट ईज वो करता है पॉपलिटियस। तो ये होगा हमारे मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स इन नी जॉइंट। तो ये हमने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन नी जॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट, तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इंजुरीज टू क्रूशेट लिगामेंट, एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट इज मोर कॉमन ड्यू टू एंटेरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया और हाइपर टेंशन ऑफ नी। तो उसमें ये डायग्राम हमें बना देनी है रप्चर ऑफ एंटेरियर क्रूशेट लिगामेंट की, ये वाली, और इसमें हमें एक और डायग्राम बनाना है रप्चर ऑफ पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट ये वाली। ठीक है, रप्चर ऑफ पोस्टेरियर क्रूशेट लिगामेंट। उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, सेमी मेम्ब्रेनस बर्सिस्ट इज क्वाइट कॉमन, इट कॉजेज अ स्वेलिंग इन पॉपलिटल फोसा रीजन ऑन पोस्टीरियो मिडियल एस्पेक्ट। तो ये सेकंड पॉइंट। तीसरा में ऐड करना है इन नी जॉइंट डिसीज वास्टस मिडियलिस, नी जॉइंट डिसीज जो होते हैं उसमें वास्टस मिडियलिस फर्स्ट टू एट्रोपी एंड लास्ट टू रिकवर, वो सबसे पहले एट्रोपाइड हो जाती है और सबसे लास्ट रिकवर होती है। नेक्स्ट हमें लिखना है इंजुरी टू कोलेटर लिगामेंट आर लेस कॉमन प्रोड्यूस ड्यू टू सीवियर अबडक्शन और अडक्शन स्ट्रेन। ओके, तो ये है, इसमें ये हमें ये दो डायग्राम बना देनी है, ये क्या है इंजुरी टू कोलेटर लिगामेंट। ओके, तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे बना देने हैं। तो ये होगा हमारा अपलाइड एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट।